देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यमुनानगर के अनाज मंडी में नंबरदारों को तोहफे के रूप में स्मार्टफोन वितरण करने का काम किया गया। अब नंबरदारों की ओर से सरकार को हर गांव की जानकारी मिलेगी। जिला उपायुक्त की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक नंबरदार गांव में हो रही गतिविधियों को लेकर प्रशासन को समय समय पर हर सूचना देते रहेंगे। यमुनानगर में मुख्यमंत्री की ओर से सभी नंबरदारों को स्मार्टफोन देने की घोषणा के बाद 1200 स्मार्टफोन नंबरदारों को बांटे जाएंगे। ये शुभारंभ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की ओर से किया जाना था, लेकिन उनके न आने पर यमुनानगर के विधायक ने मोबाइल वितरण किए। जिला उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि आज के बदलते समय में नंबरदारों को स्मार्टफोन दिए गए ताकि गांव में ही हो रही हर गतिविधियों को प्रशासन तक पहुंचाया जा सके। इसको लेकर आज जिला यमुनानगर में 1200 स्मार्टफोन बांटने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन उसमें से लगभग 900 फोन वितरण किए गए थे। उन्होंने कहा कि जिन नंबरदारों को किसी कारण से ये फोन नहीं मिले हैं उन्हें कुछ ही दिनों में फोन दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब नंबरदार सरकारी योजनाएं और नीतियों को लेकर लोगों को जागरूक करने का कार्य करेंगे, क्योंकि इन स्मार्टफोन में सरकार की नीतियां और योजनाएं सभी अपलोडेड हैं। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जौली की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आधुनिक तकनीक के द्वारा जो उसका दायित्व है वो निभा पाए, उनके ऐसी योजना है। इसी योजना को ध्यान में रखकर नंबरदार गांव का सम्माननीय व्यक्ति होता है, वो सरकार के द्वारा जिला डीसी साहब के द्वारा विशेष रूप से नियुक्त किया हुआ व्यक्ति होता है, और एक बार जब नियुक्ति हो जाती है यदि उस पर कोई गंभीर। नाम सतनाम सिंह, गाँव मंडौली, नंबरदार। मैं गाँव मंडौली का रहने वाला हूँ। स्मार्टफोन आज गवर्नमेंट ने जो दिए हैं इसके बहुत फायदे होंगे। किसी टाइम भी कोई अफसर भी बुला सके तो उस टाइम पहुँच सकते हैं, कोई दुर्घटना हो जाए उसका मैसेज दे सकते हैं। सर, अक्सर जितने नंबरदार हैं ज़्यादा उम्र दराज हैं उनको स्मार्टफोन चलाना नहीं आता, तो सीखेंगे या सीख लिया आपने? कुछ नहीं, हमने सीख रखा है, कुछ नहीं सीख लेंगे कुछ। सर, आप जैसे जो लोग हैं सुविधा संपन्न हैं, आप लोगों को ये टैबलेट फोन स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं, तो क्या ये नहीं चाहिए था कि उन लोगों को ये फ़ोन देते जिनको इसकी ज़रूरत थी? सब कुछ मिल जाए, एक कानून ही बना दिया सबको देना। इसमें कोई हो तो ये स्मार्टफोन जो आज मिले हैं इसका किस तरह से इस्तेमाल करोगे, इसका क्या फ़ायदा है? देखिए, नंबरदार एक सरकार की कड़ी होता है, कोई भी सरकार आए, लेकिन हमारी सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने नंबरदारों को बहुत ही मान सम्मान दिया है स्मार्टफोन देकर। स्मार्टफोन इसलिए दिया है, प्रदेश में कोई भी सरकारी प्रॉपर्टी है, कोई भी सरकारी आदेश हैं, उसको कोई भी दुर्घटना हो रही है या सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान करता है कोई, तो उसकी जल्दी से जल्दी सूचना सरकार को दी जाए। हरियाणा सरकार के द्वारा जो नंबरदारों को बदलते समय के अनुसार मोबाइल फोन देने का जो निर्णय लिया गया था, उसके अनुसार हमारे ज़िले में करीबन 1250 जो है मोबाइल फ़ोन नंबरदारों को दिए जाएंगे। 800 करीबन जो है बढ़ चुके हैं, बाकी के आज बांट दिए जाएंगे। इसके जो स्मार्टफोन जो है सरकार दे रही है नंबरदारों को, उससे जो प्रशासन के जो लोएस्ट जो लेवल होता है, जो पब्लिक सा डायरेक्ट टच में रहता है, उसके थ्रू जो है हमारा प्रशासन में सुधार आने की उम्मीद है। कोई अगर घटना हो जाती है, कोई हादसा हो जाता है, कोई और अगर हमारे किसी अधिकारी ने मौके पर जाना होता है तो उसके अनुसार उसकी रिपोर्ट वगैरह लेना, इससे बड़ी सहूलियत होगी। और मुझे आशा है कि जिस भावना के साथ सरकार ने कदम उठाया है कि हम अपने प्रशासनिक तंत्र को आधुनिकता के जो टाइम्स के अनुसार उनको उपयुक्त करें और उनको इक्विप करके टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हुए सरकारी की नीतियों को आगे बढ़ाएं, उसका मुझे पूरा उम्मीद है कि ये खरी उतरेगी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।